ये रिश्ता क्या कहलाता है। How dare you do this? अब आप खड़े क्या हो? अब इंतजार किस चीज का है? आरती उतारे तुम्हारी, वेलकम करे तुम्हारा, सब तेरे सामने हुआ था, तेरी मर्जी से। उस दिन भी यही कहा था मैंने, जिंदगी तेरी है, रिश्ता तेरा है, शादी तेरी है, फैसला तेरा होना चाहिए। और सब कुछ जानने के बाद तूने खुद ने इनकार किया था इस रिश्ते से। ये क्या मजाक है, बर्थडे प्रैंक है या सच में शादी कर ली है तूने? हम दोनों की शादी भी सच्ची है और हमारा प्यार भी सच्चा है। तुझसे कोई बात नहीं कर रहा अरुण, बीच में बोलने की कोशिश मत करना आगे से। नील, तू जानता है तूने क्या किया है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार माँ से, पक्षु से, मुझसे, किसी से तो बात कर लेता। तुझे आइडिया भी है क्या किया है तूने? काम से गया था हॉस्पिटल, शादी करके आ गया, ये क्या बकवास है? अब नीचे क्या देख रहा है, यहां खड़ा हूं तुझसे बात कर रहा हूं, देख मेरी तरफ। डांट नहीं रहा हूं, चिल्ला नहीं रहा हूं, समझना चाहता हूं, प्लीज समझा मुझे। पता मुझे कैसे कन्विंस किया इसने तुझे, कैसे मैन्यूपुलेट किया, ब्लैकमेल किया? जबरदस्ती शादी की, धमकी दी कोई, क्या किया बता मुझे। नील, अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी के अभी सबके सामने बोल दो। हाँ प्लीज नील, बोलो ना, इन्हें चुप क्यों, बताओ इन्हें कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या क्या बोले जा रहे हैं मेरे बारे में ये लोग? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो तुमने ना किया हो, ना कर सकती हो, या जिसकी तुमसे उम्मीद ना हो। बता नील, क्या किया इसने, बता। बोलो नील प्लीज। हाँ नील बोलो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम बोलो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो कैसा है, समझा मुझे, बता मुझे कैसा है। उनका आपस का मामला है, कुछ मत कहो, बाद में ब्लेम हम पे ही आता है कि हम ही फैमिली मैटर्स को खराब करते हैं। लेट इट बी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की। हमने आपस में बात की और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। हे भगवान, हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती है, हमारे भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे रिश्ते में प्यार भी है और वो प्यार कभी खत्म नहीं होगा। बुलशिट, बकवास, नॉनसेंस है ये। मैं जानता हूं कोई तो बात है जो तू बता नहीं रहा है, बोल। कुछ नहीं है भाई, आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूं, जो है वो यही है और कुछ नहीं। आप लोगों का गुस्सा मैं समझ सकती हूं, पर ये जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है ना बकवास, वो है। ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, इस तरह से तो मुझे रोक नहीं सकते। जो करके आई है उसके बाद कुछ बोलने को बाकी रह गया है? सुन रहा हूं। बोला था मैंने बड़े पापा, पर आपने समझा ही। समझ ही तो गए बेटा तुझे, और नाकाम रहे समझाने में। पीछे जो सब कुछ किया है तूने, अगर उसकी सजा दे दी होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती। गलती हो गई, जो ये गलत फहमी हुई कि प्यार से समझाया जा सकता है तुझ जैसी लड़की को, वही हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाल दिया होता तो अच्छा था। और तुम दोनों को शादी करनी थी तो इस तरह बगैर किसी को बताए छुपके क्यों की? मैंने पहले भी कहा था कि परिवार की इज्जत और अपने खानदान के नाम के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा। बड़े पापा आप चुप।
हूं मैं बड़े पापा। नहीं है हमारा कोई भी रिश्ता तुमसे, टूट गए सारे रिश्ते। अक्षु अभी बनियो। हर्षवर्धन जी, आनंद जी, महिमा जी, पंजरी जी, पाक चैपाली, सब लोग सुन ले आज। इस लड़की के किए की जिम्मेदारी मैं या हमारे परिवार में आज के बाद कोई नहीं लेगा। नील इस घर का बच्चा है, नील के साथ इसने जो भी रिश्ता जोड़ा है उसको कैसे डील करना है वो आप देखिए, फैसला आपका है। लेकिन इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मर गई तू हमारे लिए, आज से हमारी सिर्फ एक ही बच्ची है और वो अक्षरा है। सब आज आप लोग ने क्रॉस कर दिया। अगर आज आप मुझसे यहाँ से रिश्ता तोड़ के चले